नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। बड़ी खबर रीवा से है, जहां गढ़ थाने के परासी मोड़ में घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर हमला कर सोने और चांदी के जेवर से भरे बैग को लेकर फरार हो गए और पुलिस अब तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। सराफा व्यापारी पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर उनके पास रखे सोने और चांदी के जेवरों से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तत्काल पुलिस ने बदमाशों की तलाश में नाकाबंदी की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया है। घटना गढ़ थाने के परासी मोड़ की बताई जा रही है। गढ़ में थाने के समीप सराफा दुकान संचालित करने वाले मुनेन्द्र सोनी निवासी मन कहरी प्रतिदिन की तरह दुकान में रखे सोने और चांदी के जेवर बैग में रखकर रात्रि करीब 8 बजे दुकान बंद करके घर जा रहे थे। करीब 15 मिनट बाद वो जैसे ही गढ़ थाने के परासी मोड़ के समीप पहुंचे, तभी 2 बाइकों में सवार 4 की संख्या में बदमाशों ने उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी तो बदमाशों ने उनका पीछा कर लिया। चलती गाड़ी में बदमाशों ने ऊपर डंडे से हमला किया, जिससे व्यापारी घायल हो गए और गाड़ी सहित सड़क में गिर गए। बदमाशों ने उनके पास रखा जेवरों से भरा बैग छीनकर चपत हो गए। बैग में सोने और चांदी के काफी जेवर रखे हुए थे। पीड़ित जेवर बनाने का काम भी करते हैं, जिससे ग्राहकों के जेवर भी उनके पास मौजूद रहते हैं। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाश लाल रंग की 2 बाइकों में सवार थे और पलक झपकते ही मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना देकर नाकाबंदी करवाई। घंटों पुलिस की चेकिंग जारी रही, लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चला। इस घटना का शिकार हुए व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने तत्काल उनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक है। बदमाशों ने उनके सिर पर वार किया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। बदमाशों ने रेगी घर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उनको व्यापारी के प्रतिदिन जेवर लेकर घर जाने की जानकारी थी, इसलिए सुनसान स्थान में लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े थे। पुलिस हाईवे में लूट की घटना को अंजाम देने वाले किसी बड़े गिरोह का हाथ होने की आशंका जता रही है। 8 बजे दुकान बंद के कर कर से मुनन कुमार सोनी जा रहे थे गांव, और वहां परासी पर पानी भरा था। जैसे पक्की रोड हाईवे छोड़ा, उसे पानी भरा था, तो 2 आदमी खड़े थे, एक पल्सर थी एक डिस्कवर थी, और वहां पर दोनों खड़े थे। रुकाए तो नहीं रुका, वो बीच ऐसे ही निकल लिया। फिर रुकाए, पकड़ने की कोशिश की, फिर निकल लिया। फिर एक आदमी आया, वो बिजली थी, वो लाठी लिया था, बांस लिया था, वो सीधे मार दिया तो मैं फिर पड़ा और भाग गया। तो हमारा जो सब सामान था लेके भाग गया। सामान क्या क्या गया है? सामान 2.5 तोला सोना पुराना नया था, और 600 ग्राम करीबन चांदी थी। हमारा जोरा ही लेके भाग गया। निवासी कहाँ के हैं? निवासी हम ग्राम मनकहरी पोस्ट परासी थाना गढ़ जिला रीवा मध्य प्रदेश। और अपराधी पिता का नाम? आपने अपराधियों को पहचाना? मेरे पिता का नाम शिवप्रदा सोनी। मेरे पिता का नाम शिवप्रदा सोनी है, मेरा नाम मुनेन्द्र कुमार सोनी। गढ़ में कहाँ दुकान है? गढ़ में यह बैंक इलाहाबाद बैंक के बाजू में। कितने बजे आप बंद किए? हम 8 बजे बंद करके जा रहे थे, 8 बजे वहाँ पर पहुँच गए। किसी को पहचाना है आपने? पहचाना, जो मारा उसको भी पहचाना, और दोनों जो रुका रहे थे तो उनको नहीं पहचाना। किसको पहचाने उसका नाम? उसको किसी सिंह को पहचाना है, वो लाल पगड़ी बांधा था, उसको था। ठीक। हाँ, ये थोड़ा सा सोने चांदी के काम करते हैं। सोनी जी हैं, रात में 9:30 बजे गुड़मैन की घुमटी है छोटी सी, जिसमें ये बंद करके सामान वामान लेके अपना जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी समय कुछ युवकों ने उनको रोकने का प्रयास किया पहले रास्ते में, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। थोड़ी देर बाद आगे जाके किसी ने इनके साथ मारपीट की, डंडा मारा बता रहे थे, तो ये गाड़ी छोड़ के वहाँ से भाग गए। और जब वापस आए थोड़ी देर बाद लौट के, तो उनकी गाड़ी वहीं स्पॉट पर पड़ी थी। गाड़ी को जब तलाश की तो गाड़ी की डिग्गी से कुछ सामान गायब था, जिसमें उनका कहना है कि करीब 0.5 किलो के आसपास चांदी थी और 1 तोला के आसपास सोना था। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, मामले की जाँच की जा रही है, साथ ही आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। किस प्रकार की धाराएँ लगाएगी इसमें? प्रकरण में जो मारपीट की उन्होंने पहले धारा बताई थी, जिसमें रास्ता रोकने का प्रयास किया, धारा 341, 2009, 506, और बाद में फिर उन्होंने बताया कि डिग्गी से उनकी जो गाड़ी से सामान गायब हुआ, उसके लिए धारा 389 उसमें बढ़ा दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।